ये तो बड़ी दुख की बात है कि पहले के भी जो लेबर कार्ड हैं उनको अभी तक कोई पैसा नहीं मिला, किसी का एक्सीडेंट हुआ और ये लोग तो मायूस होकर बैठे थे कि हमने कार्ड तो बनाया लेकिन हमारे को पूछने वाला कोई नहीं था। इसमें तो एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा रोल बनता है कि ये दावे तो करते हैं लेकिन बाद में ग्राउंड में ये फेल हो जाते हैं जी। कुछ मजदूर लोगों के लिए फंड रिलीज किए हुए आज 6 महीने या 10 महीने हो चुके हैं लेकिन इस वक्त तक आपकी तरफ से कोई वेरिफिकेशन नहीं हुई है और उन लोगों को ये मुआवजा क्लीन मुआवजा जो है आज तक उनको नहीं मिल चुका है। इसके बारे में आप इन लोगों को यहाँ जवाब दीजिए कि उसमें क्या वजह है, क्यों नहीं मिल रहा है वो पैसा। उसके बाद जनाब जो आप यहाँ पर इंजीनियर कोई भी मतलब तस्लीम शुदा कोर्स से हासिल किए हुए लोग है उनके बारे में आपने आज तक कितने लोगों को एडजस्ट किया और कितना पैसा यहाँ पर तकसीम किया है आकर। इसके अलावा ITIW में कोर्सेज जो है कितने तुलबा को आपने यहाँ पर ये चीजें दी हुई हैं और एडजस्ट किए हैं और उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। अंडर ग्रेजुएट लड़के जो हमारे इस वक्त हैं बेकार हैं उनके बारे में जो स्कीम है आपके पास उसमें आपने क्या कुछ किया है। बच्ची पढ़ाओ बच्ची बचाओ ये एक स्कीम है, ये मरकज की स्कीमें हैं जिनके बारे में आपने यहाँ अवेयरनेस कैंप ही रखा हुआ है। आप इन लोगों को ये बताकर जाइए कि हमने आज तक इन लोगों को दिया क्या है और हम आगे क्या कर रहे हैं। और वही बात होनी चाहिए जैसे मेरे एक दोस्त ने यहाँ बताया कि जब तक आपका यहाँ यूनिट एस्टेब्लिश नहीं होता, जब तक आपका यहाँ ऑफिस नहीं होता है तो मेरे ख्याल में आपकी ये तमाम स्कीमें जो हैं ये इन लोगों को कोई बेनिफिट नहीं दे सकती।